तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक लॉक। मेरे पास आज हीरो की पैशन प्रो बाइक और इसकी फुल सर्विस करना है। इसमें जो बहुत सारा काम है, छोटा छोटा सारा कुछ करना है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें पहले करना क्या क्या है मुझे। तो सर्विस करना है, यहाँ पे दोनों इंडिकेटर डालना है, हमारे दो इंडिकेटर यहाँ पे नहीं है, देख सकते आप लोग। और जो इसकी मैंने बैटरी चार्जिंग में लगा दी है क्योंकि बैटरी इसकी फुल डाउन हो गई थी। और जो हमारा यहाँ पे इंजन के पास, यहाँ से हम इंजन ऑयल डालते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा हमारा ऑयल निकल रहा है। तो इसकी हम ओरिंग चेंज करेंगे और यहाँ की ऑयल सील, हमारी किक की ऑयल सील चेंज करेंगे क्योंकि किक के पास से भी ऑयल आ रहा है। और जो हमारा, और जिसमें मैं आप लोगों को काम बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका जो पहिया नचाऊंगा तो इसमें से आवाज आप लोग सुनना कैसे आती है। तो इस तरीके से इसमें आवाज आती है, मैं एक बार और सुनाता हूँ। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, इसकी जो आगे के पहिया हम घुमाते हैं तो बहुत ज्यादा आवाज आती है चलाने के टाइम, और ज्यादा आवाज आती है। तो क्या करेंगे हम, फटाफट से इसका पहिया खोलते हैं, चैन कवर खोलते हैं और जो हमारी सर्विस का काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलो फटाफट से बाइक को खोलते हैं कंप्लीट। तो फाइनली हमारी बाइक खुल चुकी है, आप लोग देख सकते हैं इसका पहिया खुल चुका है। इसकी बैरिंग वगैरह में ग्रीस लगा जाएगी और यहाँ पे लेदर जो हमारा पड़ा हुआ है इसको हम क्लीन करके इसमें पॉलिश पेपर मारेंगे। तो चलो फटाफट से ग्रीस लगा लेते हैं और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसकी चैन। तो यहाँ पे ये चैन है, इसकी कंप्लीट वॉशिंग होगी, कंप्लीट इसको धोया जाएगा, इसको न्यू किया जाएगा। और यहाँ पे एयर फिल्टर का कवर मैंने निकाल दिया, तो एयर फिल्टर क्लीन करेंगे, चैन वगैरह सारा कुछ क्लीन करेंगे और बैरिंग में, बैरिंग जो हमारी पहिया है उसके बैरिंग में ग्रीस वगैरह करके आप लोगों को फिर दिखाते हैं। तो फाइनली देखो हमारा एयर फिल्टर हो गया क्लीन, एयर फिल्टर को मैंने क्लीन कर दिया, प्रेशर जो हमारा हवा है और यहाँ पे जो हमारी चैन बिल्कुल प्रॉपर क्लीन हो गई। आप लोग देख सकते हो हमारी जो चैन पूरी की पूरी क्लीन हो गई है। यहाँ पे इंजन ऑयल का बोल्ट मैंने खोल दिया, इंजन ऑयल जो हमारा निकल रहा है। तो यहाँ पे हमारी चैन का काम हो गया कम्प्लीट। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके पहिया दिखा देता हूँ, पहिया हमारा फुल कम्प्लीट होगा, बैरिंग वगैरह में ग्रीस लग गई है, जो हमारा पॉलिश पेपर उसको मैंने घस दिया पॉलिश पेपर से, जो हमारा ड्रम है तो यहाँ का हमारा ड्रम क्लीन होगा। यहाँ पे हमारे जो लेदर पड़े हुए हैं इसको भी मैंने घस दिया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका, ये देख सकते हो आप लोग, इसको मैंने कम्प्लीट घस दिया है। तो अब क्या करेंगे हम, बाइक जो हमारा पहिया है वो बाइक में कम्प्लीट करते हैं फिटिंग और इसकी चैन वगैरह को करते हैं टाइट। तो चलो मिलते हैं और इसको बाइक को करते हैं कम्प्लीट फिटिंग। तो फाइनली हमारा पहिया हो गया कंप्लीट, इसके सारे नट बोल्ट जितने थे वो हो गए टाइट और हमारा इंडिकेटर लग गया। मैं आप लोगों को पीछे से इसका लुक अब दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ से अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ का एयर फिल्टर हमने क्लीन करके फिटिंग कर दिया, यहाँ पे चैन वगैरह में ग्रीस वगैरह लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग, ग्रीसिंग वगैरह हो गई है, चैन हमारी टाइट हो गई है कम्प्लीट। तो अब हम क्या करते हैं, इसका चैन कवर कम्प्लीट करते हैं फिटिंग। तो चलो फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे चैन कवर लग गए, हो गई कंप्लीट चैन कवर, पीछे से हमारा काम होगा। यहाँ पे इंडिकेटर की वायरिंग मैंने नहीं की, तो फटाफट से इंडिकेटर की वायरिंग करता हूँ। यहाँ पे एक तार है और जो हमारी दूसरी तार इंडिकेटर की ये रही यहाँ पे, और इसकी बैटरी मैंने लगा दी, हमारी बैटरी चार्ज हो गई कम्प्लीट। और मैं इसकी चाबी ऑन करूंगा तो इसकी जो मीटर लाइट अभी भी नहीं आ रही, आप लोग देख सकते हो इसकी मीटर लाइट की अभी भी प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे हम, फटाफट से मीटर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मीटर जो मैंने 20 पे सेट किया, तो इसको फटाफट से बैटरी में लगाते हैं और आप लोगों को बैटरी चार्ज दिखाते हैं, चार्ज है या नहीं। तो यहाँ पे हम जो हमारी लाल तार है तो उसको हम रेड में लगाएंगे और जो हमारी ब्लैक है वो उसको ब्लैक में लगाएंगे। तो चलो मैं फटाफट से लगा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसका मीटर कम्प्लीट दिखाता हूँ, हमारी बैटरी चार्ज है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक तार लगा लेता हूँ, ब्लैक वाली और रेड वाली लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो 12 प्लस जा रहा है, तो हमारी बैटरी जो फुल चार्ज है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12 प्लस तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज है और फिर भी हमारी जो मीटर की लाइट नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ से चाबी मेरी ऑन है और यहाँ का मेरे यहाँ पे आता हूँ बैटरी के पास, ये हमारा फ्यूज लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो बैटरी फ्यूज खुल गया आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये वाला फ्यूज हमारा खराब है, ये वाला हमारा जो खराब है मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी जो बीच की तार टूट गई है। तो यहाँ से मैं चाबी को करता हूँ ऑफ, उसके बाद निकालता हूँ यहाँ से एक फ्यूज, ये जो हमारा अच्छा है मैं आप लोगों को दोनों दिखाता हूँ, तो आप लोग खुद ही देख के समझ जाओगे कौन सा हमारा उड़ा हुआ है और कौन सा हमारा सही है। तो यहाँ से आप लोग दोनों देख सकते हो, ये हमारा जो फ्यूज ये खराब है, ये बीच से तार कटी हुई, और ये वाला हमारा फ्यूज बिल्कुल अच्छा है। तो चलो इसको हम लगा के और चाबी ऑन करके देखते हैं हमारी मीटर की लाइट आती है या नहीं। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको लगा लेना, तो यहाँ पे हमारा फ्यूज लग चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को चाबी ऑन करके दिखाता हूँ। तो फाइनली जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हो गई है दूर,
हमारी लाइट वगैरह हॉर्न वगैरह सारा कुछ चालू हो गया है। तो यहाँ पर हमारा फ्यूज उड़ा था जो हमने फ्यूज बदल दी, ये रहा इसका फ्यूज जो हमारा उड़ गया। तो चलो फटाफट से इसकी जो हम क्या करते हैं इसको पैकिंग करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया पैक, यहाँ पे हमारी लाइट वगैरह आ गई। फटाफट से इंडिकेटर की वायरिंग करते हैं और इंडिकेटर आप लोगों को चालू करके दिखाते हैं। तो यहाँ से फाइनली हमारा इंडिकेटर हो गया कम्प्लीट। यहाँ पर आप लोग देखोगे इंडिकेटर होगा कंप्लीट, चाबी को ऑन किया और इसके बटन को मैं चालू करता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मीटर में हमारा इंडिकेटर लाइट शो कर रहा है और इंडिकेटर भी हमारा चालू हो गया। ये दोनों इंडिकेटर हमारा आगे का चालू हो गया और मैं करता हूँ लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड का देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लाइट चालू है और यहाँ पे इंडिकेटर ये चालू आगे का और यहाँ पे ये पीछे का चालू है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर का काम होता है कम्प्लीट। तो अब हम फटाफट से कर लेते हैं इसकी किक की ऑयल सील चेंज। और चेंज कैसे करना है, तो यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ, इसको हम फाइनली खोल लेंगे तो हमारी किक आराम से बाहर हो जाएगी। तो चलो फटाफट से खोलते हैं और किक को निकालते हैं बाहर। तो फटाफट से अब हम क्या करते हैं इसकी किक निकालते हैं। तो यहाँ से हमारी किक निकल गई, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ का सारा कुछ हम कपड़े से कर लेते हैं क्लीन, जितना हमारा ऑयल वगैरह लगा हुआ मट्टी वगैरह। तो यहाँ से फाइनली जो हमारा क्लच कवर हो गया क्लीन, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद इस लेंगे पतला पेचकस और पतले पेचकस के इससे इस तरीके से इसकी ऑयल सील को बाहर निकालेंगे इस तरीके से। तो ये आराम से हमारी ऑयल सील बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारी ऑयल सील जो कंप्लीट बाहर निकल गई, ये हमारी खराब है तो इसको हम डालेंगे नई। तो फटाफट से मैं लेता हूँ नई और यहाँ पे कपड़े से वापस से मैं क्लीन करता हूँ सारा। तो यहाँ से आप लोग देखो तो ये हमारा सॉफ्ट बिल्कुल क्लीन हो गया है और ये रही हमारी किक की ऑयल सील। तो फटाफट से खोलते हैं ऑयल सील और लगाते हैं इसमें ऑयल सील नई, हमारी जो ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम थी वो हो जाएगी दूर। तो यहाँ से हम फटाफट से इसको खोलते हैं। तो यहाँ से हमारी ये खुल गई, इसके बाद ये रही हमारी नई ऑयल सील। तो इसको लगाना कैसे ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रही हमारी नई ऑयल सील। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की होती है ये ऑयल सील, तो हमारी जो पुरानी वाली वो ख़राब हो गई थी, ये रही ये पुरानी वाली बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और जो हमारी नई और पुरानी में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो हम यहाँ से ले लिए ऑयल और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे, ताकि इस तरीके से मैं क्यों लगा रहा हूँ, ताकि जो हमारी ऑयल सील है एकदम आराम से चली जाए। कुछ इस तरीके से इसको बैठाना, आराम से ऑयल लगा लेना, हमारे चैम्बर में आराम से ये बैठ सकती है। तो बैठ जाएगी आराम से ऑयल लगाने के बाद। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से इसको बैठा लेता हूँ। तो चलो फटाफट से बैठा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फाइनली हमारी किक की ऑयल सील कंप्लीट बैठ गई है, यहाँ पे हमारी ऑयल सील बैठ गई। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम फटाफट से इसकी किक लगाते हैं, ये रही किक, और किक को लगा के बाइक को करते हैं यहाँ से कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारी किक वगैरह लग गई, आप लोग देख सकते हैं बैटरी भी लग गई है इसकी। और यहाँ पे फटाफट से लगाते हैं इसका पैनल, तो यहाँ पे हमारा पैनल लग गया है। तो यहाँ पे हमारी किक की ऑयल सील और पैनल लग गए। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस साइड में आते हैं। इस साइड में क्या करेंगे, इस साइड में आने के बाद यहाँ से हम इंजन ऑयल का बोल्ट लगा के फाइनली टाइट करते हैं और इंजन ऑयल नया डालते हैं और जो हमारे गेज की रिंग है उसको हम नहीं डालते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑयल बोल्ट हो गया कंप्लीट टाइट। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा ऑयल बोल्ट हो गया टाइट। इसके बाद इस साइड में मैं आ जाता हूँ, इस साइड में ये रहा हमारा जो इंजन ऑयल डालने वाले हम नया। तो यहाँ से मैं इसको फटाफट से क्लीन करता हूँ, पहले यहाँ का जितनी मट्टी है ऑयल वगैरह सब कुछ क्लीन करता हूँ, कुछ इस तरीके से फटाफट से क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद खोलते हैं इसका गेज का बोल्ट जो हमारा लगा हुआ है और उसके बाद नया इंजन ऑयल इसमें डाल देते हैं। तो फाइनली हमारा इंजन ऑयल पड़ गया। इसके बाद ये रहा इसका गेज, इसके गेज से ओरिंग हम निकालते हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर की ओरिंग होती है, तो ये पेचकस की मदद से इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। उसके बाद इसमें नई ओरिंग हम डाल देते हैं। तो ये रही हमारी पुरानी ओरिंग जो हमारी खराब हो गई, ये हमारी नई ओरिंग है। तो इसको फटाफट से गेज में लगाते हैं, ये रही पुरानी। तो फटाफट से हम नई वाली क्या करते हैं, गेज में लगाते हैं और लगाने के बाद इसके गेज को करते हैं कंप्लीट टाइट। तो चलो फटाफट से इसको बैठा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हाथ से बैठा लेना है। तो यहाँ पे हमारी ओरिंग बैठ गई। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, गेज को इस तरीके से लगा के इसको फाइनली फुल टाइट कर देते हैं। तो हमारी ऑयल की लीकेज की जो प्रॉब्लम थी वो हो गई है दूर, क्योंकि हमने ऑयल सील भी चेंज कर दिया, यहाँ की ओरिंग भी चेंज कर दिया। तो चलो फाइनली यहाँ का काम होता हमारा कम्प्लीट। तो अब हम बाइक को करते हैं स्टार्ट और करते हैं इसकी एडजस्ट और प्रॉपर एडजस्ट करते हैं बाइक को, उसके बाद इसका हम जो आगे का पहिया खोलेंगे।
अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एक बार इसकी आवाज वापस से सुनाता हूँ। तो यहाँ से पहिया घुमाता हूँ, आप लोग आवाज सुनो। यहाँ पे ये आवाज आ रही है, ये देखो, जितनी फास्ट चलेगी उतना ज्यादा आवाज आएगा। तो क्या करेंगे, फटाफट से खोलते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम। तो यहाँ से हमारा पहिया हो गया, खुल गया, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद इसको ड्रम को हम यहाँ से प्लेट को निकालते हैं बाहर, जो हमारा ब्रेक शू का प्लेट है यहाँ से निकाल लिया बाहर इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक हाथ से कुछ इस तरीके से इसको घुमा घुमा के देखता हूँ, आवाज यही कर रही है या हमारा कुछ और आ रहा है। तो मैं लाइट को चालू कर लिया, आप लोगों को प्रॉपर दिखे। तो ये देख सकते आप लोग, इसको मैं घुमा रहा हूँ तो इसमें से आवाज आएगी। तो ये देख लिया आप लोगों ने, इस को घुमाने से आवाज आती है। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इसका जो हमारा यहाँ का मैंने तार निकाल दी, ये रही हमारी तार, जो हमारी तार भी खराब हो गई, इसका जो मीटर गरारी है वो भी खराब हो गई है। इसको घुमाने पे हमारी मीटर गरारी आवाज करती है, हम मीटर गरारी को नई डालेंगे। और हमारी जो केबल है यहाँ से ये टूट चुकी है, तो इसको भी हम नई डालेंगे। तो चलो फटाफट से इसको कंप्लीट फिटिंग कर लेते हैं, नई गरारी डालते हैं, नई केबल डालते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं इसमें आवाज आ रही है या नहीं। तो चलो फटाफट से ये चीज डालते करते हैं कंप्लीट। तो यहाँ से जो मैंने इसका ड्रम को क्लीन कर लिया, आप लोग देख सकते हो हमारा ड्रम होगा क्लीन, और यहाँ पे हमारी जो नई गरारी पड़ चुकी है इसमें बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हमारी पुरानी वाली गरारी, ये रही जो मैंने नई गरारी डाला इसमें। तो चलो फटाफट से क्या करते हैं, पहिया को करते हैं कम्प्लीट फिटिंग। तो फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। तो इसके केबल को नई डाल देंगे। तो यहाँ से हमारा पहिया होगा कम्प्लीट, इसकी आवाज बिल्कुल चली गई है, पहिया घुमाने पर आवाज एकदम नहीं आ रही है। तो फाइनली हमारा जो केबल नहीं पड़ गई, मीटर वरम भी नया पड़ गया, तो हमारी आवाज बिल्कुल चली गई है। अब बाइक क्या चलाने पे मैंने राउंड मार के देख लिया, बाइक में कुछ भी आवाज नहीं आ रही, यहाँ पे हमने दोनों चीज चेंज कर दी। तो फाइनली हमारी बाइक होती है कम्प्लीट। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।